हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेट सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फिफ्टीथ ऑफ दिसंबर 2022 15 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च दकूटो आर मिशन इनमें से कौन सी कंट्री में हकूटो आर मिशन लॉन्च किया गया ऑप्शन आर ए रशिया बी जापान सी इंडोनेशिया डी नॉर्थ कोरिया द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ बी जापान कल मैंने आपको पढ़ाया था ये सारी चीज़ें हकूटो आर्मिशन के बारे में आंसर इज़ बी जापान आई होप यू गॉट क्लैरिटी कितने लोगों से बना जरूर बताइएगा दूसरा सवाल है दीवान बंदागण इस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक इस दीवान बंदागन क्या था ये फिरोज शाह तुगलक ने इस्टैब्लिश किया था ऑप्शन आ ए डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बी रेस्ट हाउस फॉर मर्चेंट्स सी हॉस्पिटल्स फॉर ट्रेवलर्स या डी ऑफिस फॉर चैरिटी तो वेरी गुड क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव दीवान बंदागण जो था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था एंड ये जैसे ऑफिस फॉर चैरिटी लिखा है ना चौथा वाला तो ये है दीवान खैरा ये खैरात दीवान खैरात था ये है खर, आ, ये, खराद, खराद था ये ना खैरात वॉज फॉर चैरिटी तो आई होप यू गॉट कलेरिटी तीसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 1946 फोर्टी सिक्स रॉयल इंडियन नेवी रिबोर्ट रॉयल इंडियन नेवी रिबोर्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं पहला स्टेटमेंट है द इमीडिएट ट्रिगर वॉज द डिमांड फॉर बेटर फूड एंड वर्किंग कंडीशन फॉर इंडियन सेलर्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी दूसरा स्टेटमेंट है द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कंडेम्ड द स्ट्राइकर्स तीसरा स्टे, स्टेटमेंट है द रिवोल्ट वॉज कन्फाइंड टू द बॉम्बे रीजन तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें देखो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बॉम्बे रीजन बस में नहीं था बहुत अलग अलग जगह है, पर यहाँ पे आपको पता कि जो नेवी थी उसमें रिवोल्ट हुए थे तो इट वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द बॉम्बे रीजन कराची रीजन में भी हुआ था और दूसरे रीजन में भी हुआ था तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट वन एंड टू विल बी द आंसर फॉर दिस आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है तो यहाँ पे एक स्कीम के बारे में आया जो पीआईबी से हमने लिया है अटल वायो अभ्युदय योजना अटल वायो अभ्युदय योजना इसकी नोडल जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है द एम इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द सीनियर सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग बेसिक कम्यूनिटीज लाइक शेल्टर फूड मेडिकल केयर एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बाई इंकरेजिंग प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एजिंग थ्रू सपोर्ट ठीक है ना तो क्या क्या इसका एम है याद रखिएगा मिनिस्टर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अटल वायु अभ्युदय योजना इसका नाम है और इसके एम क्या क्या है टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी टू दिनियर सिटीजन बाई प्रोवाइडिंगूड मेडिकल केयर एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज ठीक है ना अब इसके बहुत सारे सब कंपोनेट्स हैं जैसे कि इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन हैं स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन है, है राष्ट्रीय वायुश्री योजना जिसमें वो एम्यूनिटीज दी जाती हैं एडेड वो दिया जाता है दैन सीनियर सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री इंप्लॉयमेंट इन डिग्निटी सेक्रेड स्कीम जिसको बोलते हैं सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री इम्प्लॉयमेंट है ना सीनियर एबल सिटीजन्स को री इंप्लॉय किया जाएगा सेक्रेड स्कीम के अंतर्गत ठीक है ना इसके अलावा एक्शन ग्रुप एम डैट एक्शन ग्रुप एम डैट सोशल रिकन्स्ट्रक्शन इसके अलावा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज स्कीम जिसको हम बोलते हैं वो है एल्डर लाइन नेशनल हेल्प फॉर सीनियर सिटीज़न हो गया है ना ये सारी चीज़ें हैं ठीक है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट दूसरी जो न्यूज़ है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न के रिगार्डिंग तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है न्यूक्लियर फ्यूज़न मतलब कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं एक साथ तो वो क्या बनाते हैं एक हैवियर एटम बनाते हैं एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं सॉरी हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं एंड एनर्जी रिलीज़ करते हैं ठीक है ना इट्स अ वेरी पावरफुल वे ऑफ हार्नेसिंग इमेंस एनर्जी ट्रैप्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में जो एनर्जी ट्रैप्ड है ना उसको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एंड जैसे नक न्यूक्लियर फ्यूज़न में एग्जांपल है दो जब लाइटर न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के फॉर एग्जांपल ट्रिटियम ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम जिसको डीटी फ्यूज़न भी कहा जाता है ड्यूटीरियम ट्रिटियम वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं तो फिर वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि वो फ्यूजन ऑफ यूरेनियम मेटन से भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा चार गुना ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट दिक्कत यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज़्यादा टफ होता है अचीव करना और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ही अचीव हो पाता है ठीक है ना वेरी हाई टेम्परेचर इज नीडेड फॉर अचीविंग दिस न्यूक्लियर फ्यूजन तो ज्यादा मोस्ट ऑफ द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस इन आर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी ठीक है फ्यूजन नॉट फ्यूजन ठीक है तो न्यूक्लियर फ्यूजन से आपका सन में आपको पता होगा कि हाइड्रोजन से बनकर फिर हीलियम बनता है क्योंकि इतना टेम्परेचर वहां पर अचीव हो पा रहा है ना तो दट इज द थिंग तो चैलेंज यही कि फ्यूजन हैपन्स ऑनली इट वेरी हाई टेम्परेचर है ना द वेरीपरेचर इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड देयर एंड लेबोरेटरी लेवल पर टेम्परेचर अचीव करना काफी काफी ज़्यादा टफ हो जाता है ठीक है ना तो लेट मी शो यू वन डायग्राम एज वेल तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाउ द न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क्स, तो हाइड्रोजन एटम्स आर हीटेड हाइड्रोजन एटम्स आर हीटेड तो वहाँ से फिर फ्यूजन रिएक्शन होती है एंड हीलियम न्यूट्रॉन एंड एनर्जी इज रिलीज ठीक है ना तो हाइड्रोजन को आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हीट करेंगे एक साथ तो फिर वो एक एक हैवियर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूट्रॉन में हैवियर के इसमें हीलियम एंड न्यूट्रॉन विल बी रिलीज एंड इसके साथ साथ एनर्जी भी आपको रिलीज़ होगी एनर्जी विल ऑल्सो भी, भी रिलीज़ देर है ना थोड़ा सा मैं आपको एक और डायग्राम दिखा दूँ लेट मी शो यू अनदर डायग्राम कि यहाँ पर एनर्जी कैसे आती है तो एनर्जी देखो इस तरह से आती कि है कि हाइड्रोजन आइटम्स आपने हीट किए है ना यहाँ पे ड्यूटेरियम आपको दिख रहा है ये ट्रिटियम दिख रहा है दोनों हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम तो आपको यहाँ ड्यूटेरियम ट्रिटियम यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड की यहाँ पे इनका फ्यूजन हुआ तो आपका एक तो न्यूट्रॉन निकला और आपका हीलियम एटम्स निकले हीलियम निकला और न्यूट्रॉन निकला एंड यहाँ पे फिर एनर्जी न्यूट्रॉन से ही फिर एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियस एनर्जी है तो यहाँ से फिर आपने वाटर को हीट किया स्टीम प्रोवाइड की और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली तो यहाँ से एनर्जी का कन्वर्जन कन कन्वर्जन हो गया ठीक है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी की हाउ द न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ एक्चुअली वर्किंग अब फ्यूजन के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर एक इंटरनेशनल कोलेब्रेशन प्रोजेक्ट है जो कि सदर फ्रांस में लोकेटेड है इंटरनेशनल कोलैब्रेशन प्रोजेक्ट है सदरन फ्रांस में लोकेटेड है एंड इट इज रिप्लिकेटिंग द फ्यूजन प्रोसेस ऑफ द सन सन की जो फ्यूजन प्रोसेस है उसको रेप्लीकेट करने के लिए है एंड इट यूज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स इंस्टेड ऑफ हाई एनर्जी लेजर बीम्स तो लेजर बीम्स की जगह ये स्ट्रॉन्ग

एंड uh, जोग्राफ़िकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि चेन्नई में लोकेटेड है उससे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप केरला के जो बीपोर उरू है उसको जीआई टैग प्रोवाइड करें जीआई मतलब कि एक स्पेसिफिक लोकेशन की कोई स्पेशलिटी जो कि केवल उसी लोकेशन में पाई जाती है उसी लोकेशन के लिए फेमस होती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा उस रीजन को भी टूरिज़म भी डेवलप होता है और उस रीजन में उस प्रोडक्ट का कंजर्वेशन और उसका और प्रमोशन भी होता है है ना एंड उरूज़ आर प्योरली मेड अप ऑफ प्रीमियम वुड विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक किसी मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता और प्रीमियम वुड से बनता है ये इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखने की लगभग तीन से चार साल लगते हैं एक उरू डो को बनाने में पूरा पूरा क्योंकि ये पूरा मैनुअली बनता है कोई इसमें मशीन का यूज़ नहीं किया जाता एंड ये उरूज जो है उरू शिफ्स जो हैं ये लगभग दो सालों से ये यूज़ में है तो काफ़ी ज़्यादा पुराने काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज एल आगे देखते हैं केरला सीक्स टू यूज़ स्पोर्ट्स टू टैकल द ड्रग मैनस तो ड्रग के मैनस को ख़त्म करने के लिए केरला ने एक नया मुहिम स्टार्ट किया है जिसमें वो कोशिश करेंगे कि यंग जो जनरेशन है उसको ड्रग से दूर स्पोर्ट्स की तरफ ले जाया जाए क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स पर जाएंगे तो ऑबसली बात है आप ड्रग्स और ये सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ड्रग्स से और इन सब से नुकसान होता है तो वही है कि एक्साइज डिपार्टमेंट एर्नाकुलम या केरला में आप बोल सकते हैं कि ये इन्होंने एक नई मुहिम स्टार्ट की कि जो ड्रग्स के के मिनस से दूर रखना कर यंग बच्चों को तो यंग एज में ही उनको टैप करना पड़ेगा स्पोर्ट्स की तरफ है ना तो उन्होंने इस पर स्कूल को छोड़ दिया कि आप कौन सा स्पोर्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं और फिर वही अपन उसको स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे स्कूल्स में उनकी मदद करेंगे और बच्चों को और ज़्यादा वो किया जाएगा कि आप स्पोर्ट्स को अपनाइए ठीक है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में दी आर फॉर तमिलनाडु एज अ वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी यहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आ, का ये कहना है कि वो दो तक एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे प्रेजेंटली तमिलनाडु पॉइंट ट्रिलियन डॉलर की इकॉनॉमी है पॉइंट थ्री वन मतलब कि लगभग तीन गुना और उसको ग्रो करना पड़ेगा टाइम्स द करेंट साइजी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो ऐसा होने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है ऑथर ने यहाँ पर कुछ चीजें बताई हैं जैसे उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले यू हैव टू शिफ्ट द कल्टिवेशन ऑफ हाईली रिम्यूनरेटिव एंड लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स तो एंड लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नीड्स टू बी गिवन प्रियोरिटी अटेंशन ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आपको अटेंशन देना पड़ेगा प्रियोरिटी देनी पड़ेगी है ना फूड का वेस्टेज रोकना पड़ेगा इसके अलावा एमरजिंग सेक्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स लॉजिस्टिक्स एंड एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनको आइडेंटिफाई करके आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि आप इनको डेवलप करें इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स स्पेशली जो पावर सेक्टर की है रोड ट्रांसपोर्ट की है इस, इन सब को आपको पूरा करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज एक्सपोर्ट्सिव एन एस्टिमिल्स टू द ग्रोथ एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है चाहे पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, है ना लगभग छत्तीस परसेंट के आसपास का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ईयर 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 ऑन ईयर आपकी जो ग्रोथ है कम से कम नौ परसेंट की होनी चाहिए तमिलनाडु अगर एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बन जाता है तो ये सारी चीज़ें आप, आप, आप अचीव कर सकते हैं इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे फिजिकल बैलेंस की भी बात की है कि आपको एक फिजिकल प्रोडेंस शो करना है फिजिकल प्रोडेंस का मतलब है कि जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं उतना ही आप एक्सपेंडिचर करें उससे ज़्यादा ना करें मतलब अपनी बोरोइंगस को लिमिटेड करें है ना एंड फिजकल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस की स्टेबिलिटी रखें फिजिकल स्टेबिलिटी रखें तो ज्यादा बेटर तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं नहीं तो इन्फ्लेशन और ये सब चीजें जब होती हैं तो फिर ग्रोथ को इंपैक्ट करने लगती हैं तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ये मैंने क्यों बताया इसका सिंपल सा रीज़न तमिलनाडु नहीं है इसका रीजन है कि आपको यही पॉइंट्स तब भी लिखने हैं जब आपको इंडिया की ग्रोथ के बारे में पूछा जाएगा तो दीज आर द सेम रीजन विच यू हैव टू राइट वाई क्वेश्चन इज आज अबाउट इंडियाज ग्रोथ है ना तो आप वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं द बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली यहां पे बात चल रही है अभी सत्ताईसवें कॉन्फ्रेंस की जो सीओपी हुआ था शर्मल शेख इजिप्ट में हुआ था है ना एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था जिसका नाम है लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मतलब लॉन्ग टर्म में लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इसमें बहुत सारे मल्टी सेक्टोरल मेजर हैं टू रीच द नेट जीरो एमिशन स्टेटस है ना इट इट प्रोवाइड्स मल्टी सेक्टोरल मेजर टू रीच द नेट जीरो एमिशन लेवल एंड क्लाइमेट रेजिलियट अर्बनाइजेशन

आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा आपको म्यूनिसिपल सर्विस डिलीवरी और ये सारी चीजें sure करना है कि आपकी प्रॉपर है और लोगों को पीपल का जो पार्टिसिपेशन है लोकल लेवल का जो पार्टिसिपेशन है वो अचीव करना जरूरी है तभी आप रेजिलियंट या सस्टेनेबल कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं ठीक है ना और यहाँ पे ऑथर ने वही सारी चीज़ें आर्टिकल में बताई है एंड इसके अलावा अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क एक डिसीजन सपोर्ट टूल है यूएन हैबिटेट का फॉर म्युनिसिपल कमिश्नर्स एंड अर्बन प्रैक्टिशनर्स जो कि बेसिकली सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट अर्बन प्लानिंग में काम आता है अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं एक डिसीजन सपोर्ट टूल है यू हैबिटेट का फॉर म्यूनिसपल कमिश्नर्स एंड अर्बन प्रैक्टिशनर्स जो कि सपोर्ट कर सपोर्ट करता है सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग को एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियन सिटीज ठीक है ना तो ये आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी इसके अलावा जहाँ पौधा ने कहा है कि वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आपको वो बनाना है चाहे कुछ भी है ना? जो भी है तो आपको गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेश्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन सब की मदद लेनी पड़ेगी तभी आपको सस्टेनेबिलिटी आप उनको लोगों को बता सकते हैं इनफैक्ट जो लाइफ चेंजेस आपको करने हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए आपको वॉल्टियर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक जगह से दूसरी जगह इन सब चीज़ों को फैला सके प्रपोज कर सके है ना तो र दिंग्स विच द ऑथर हैज मैं आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दट एंड आपको समझ में आ गया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटी में बहुत सारे आपको लोगों को इन्वाल्व करना पड़ेगा सेंसस एज अ मिरर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट यहाँ पे ऑथर ने एक्चुअली यहाँ पे एक स्टडी बताई है डिलन सलीवन एंड जेसन हिकल की स्टडी है यहाँ लिख लो ये नाम डिलन सलिवन एंड जेसन हिकल इन्होंने स्टडी की है जिसमें इन्होंने सेंसस डेटा स्टडी किया है एटीन एट्टी से लेकर के नाइनटीन ट्वेंटी तक का एटीन एट्टी से नाइनटीन ट्वेंटी तक का जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम था उस समय का स्टडी करके इन्होंने ये बताया कि मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया अप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड मिलियन इंडियंस डाइड ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज India, उनकी जो बेकार पॉलिसीज थी लैंड को लेकर के एग्रीकल्चर को लेकर के और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के उस कारण से बहुत सारा फेमाइंस इंडिया में हुए उन फेमाइंस का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया अदरवाइज कम से कम हंड्रेड मिलियन ऐसे लोग हैं इंडियंस जो कि केवल केवल आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश है ना तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ब्रिटिश रूल में जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 के टाइम में हुआ था ये भी यहाँ पे ऑथर ने बताया है तो आप वो भी आप नोट कर सकते हैं इसके अलावा ऑथर ने ये, ये चीज़ जरूर बताया कि हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नाइनटीन के बाद खराब हुए जैसे कि वेमेन इक्वालिटी के पार्ट है जेंडर पैरिटी के जो पार्ट्स हैं वो हमारे नाइनटीन के बाद भी अभी नहीं सुधर पाए हैं तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट है ना फेमाइंस हमने हालांकि कवर कर लिया कि नाइनटीन के बाद एक भी फेमाइन नहीं हुआ इंडिया में लेकिन ये सब कुछ चीजें है, हैं वुमेन इक्वालिटी या जेंडर पैरिटी को लेकर के जिसमें हमको काम करने की आवश्यकता है होप यू गॉट क्लैरिटी हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर अब यहाँ पर एक नई थेरेपी के बारे में आया है यूनाइटेड किंगडम में इसका टेस्ट किया गया है कैंसर थेरेपी इसका इसमें बेसिकली एक बच्ची उसके ऊपर ट्राई भी किया गया है अलिशिया के ऊपर ट्राई किया गया है अलीसिया थर्टीन ईयर्स की है ना अलीसिया उसके ऊपर ट्राई किया गया है कैंसर कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए अच्छा टी सेल्स क्या होती हैं देखो टी सेल्स आर अ क्लास ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एक तरीके से एक क्लास एंड देर अस ऑफ वाइट वाइट ब्लड सेल्स इक्ट टू हंड एंड न्यूट्रेन थ्रेट्स टू द बॉडी टी सेल्स एक्चुअली में इक्विप्ड होती हैं टू हंट एंड न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स दैट एंटर द बॉडी नाव क्या होता है कई बार ये टी सेल्स जो है दे टर्न अप अगेंस्ट द बॉडी ये खुद बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है एंड दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द हेल्दी सेल्स ये हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं है ना और ऐसी हेल्दी सेल्स जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं तो ये बेसिकली जब हेल्दी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियस की बात है दैट इज दैट इज़ कैंसर ऑनली कैंसर सेल्स नहीं कहते कि जो हेल्दी है उसको ख़त्म कर दो केवल आपके पास अनहेल्दी वाले बचेंगे है ना Uh, तो एलिशिया का जो ट्रीटमेंट है वो जीन थेरेपी के माध्यम से किया गया विद अ न्यू टेक्निक जिसका नाम है बेस एडिटिंग याद रखेगा बेस एडिटिंग अगर आपसे कोई पूछे बेस एडिटिंग टर्म कहाँ पे न्यूज़ में था क्या था तो बेस एडिटिंग बेसिकली आपको जीन जीन एडिटिंग की टेक्निक है बेस एडिटिंग जिसको हम बोलते हैं बेस एडिटिंग क्या होता है देखो एक्चुअली हमारा जो हमारा जो जेनेटिक कोड है उसमें चार बेस होते हैं फोर बेसिस आते एडिनिन ए गुआनिन साइटोसिन एंड थायमिन कौन कौन से चार बेसेस होते हैं जेनेटिक कोड में चार बेस होते हैं एडीनाइन गुआनाइन साइटोसाइन एंड थायमिन ठीक है ना अब इनका जो सीक्वेंस होता है बेसिस का जो सीक्वेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार ये सीक्वेंस अगर ख़राब हो जाए तो फिर आपके यहाँ जो टी सेल्स हैं वो मिस अरेंजमेंट के कारण कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं ठीक है ना कैंसरस हो जाती हैं इसीलिए आपके हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं तो फिर ऐसे में क्या करना है आपको बेस एडिटिंग करनी पड़ती है बेस एडिटिंग से आप उसको रीअरेंज करते हो यू रीअरेंज द बेसिस एंड देन यू गेट क्योर ऑफ दैट तो बेस एडिटिंग वही इस्तेमाल की गई है ऑब्वियसली बात है बेस एडिटिंग अगर आपको करनी तो फिर एक आपको uh, मोलिकुलर सीजर की जरूरत पड़ेगी और ये मोलिकुलर सीजर का काम कौन करता है यहाँ पे क्रिस्पार क्रिसपाराइन जो हम क्रिस्पार की बात करते हैं ना इसमें एक एंजाइम होता है जो कि एक मोलिकुलर सीजर का काम करता है जिसको हम कैस नाइन में बोलता हूँ अ मोलिकुलर सीजर एंड इट कैन बी कट इट कैन बी मेड टू कट अ पीस ऑफ डी एन एट अ प्रिसाइज लोकेशन एंड देन गाइड द आर एन एंड अ गाइड आर एन ए कैन बी यूज टू इंसर्ट अ चार्ज जेनेटिक कोड एट द साइट ऑफ इंसिजन तो फिर एक गाइड आर एन ए का यूज करके फिर आप उसको जहां पे जाना है वहां डाल सकते हैं डीएनए को आप कट करना चाहते हो तो आप स्पार सिस्टम से कर सकते हैं तो वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है यहां पे आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट इंडिया स्लोइंग एक्सपोर्ट्स का कंसर्न तो ऑब्वियसली है हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं लगभग अक्टूबर में सिक्सटीन परसेंट का डिक्लाइन देखने का देखने को मिला ईयर अर्ली पीरियड से तो ये एक मीन एक बात है उसकी कंडीशन रहेगी ही एक डिबेट की कंडीशन रहेगी क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पाते सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर इकॉनमी है ना दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इकानमी एंड इस कारण से एक्सपोर्ट्स का जो बढ़ना है बहुत ज़रूरी है तो सारा जो ध्यान है वो इस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में लगेगा अब तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे बढ़ते हैं नीड फॉर फिजिकल प्रोडेंस फिट्स का फिजिकल प्रोडेंस की बात है पी एस सी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने की है अपने फिफ्टी फोर्थ रिपोर्ट में है ना जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ना तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के उन्होंने कहा है फिजिकल प्रोडेंस मतलब वही होता है जैसे मैंने आपको बताया था खर्चा आपको उतना ही करना है जितना आपका रेवेन्यू है, है ना एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में एक, एक बैलेंस होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अनलिमिटेड आप खर्चा

पार्लियामेंट्री uh, कमिटीज़ जो हैं उनकी अथॉरिटी आर्टिकल 105 से हैं आर्टिकल 118 से है तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर देयर एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई गई थी 1921 में आफ्टर इट्स मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मॉन्टफोल्ड uh, रिफॉर्म्स भी कहा जाता है उसके बाद इसको बनाया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर साल कॉन्स्टिट्यूट होती है रूल थ्री ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के अंतर्गत अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें तो इसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है इसका चेयरमैन ऑफ द कमेटी अपॉइंट करता है एंड इट इज टू बी नोटेड दैट कमिटी नॉट बीइंग बिंग बॉडी कैन मेक ओनली डिसीजन एडवाइजरी इन नेचर ठीक है ना मेंबर्स बाईस होते हैं पंद्रह लोकसभा के सात मेंबर्स राज्यसभा के एंड uh, याद रखेगा एंड टर्म जो होता है केवल एक साल का रहता है पर्पज़ मैंने आपको बता दिया कि जितना पी एस सी बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट के फिनैंशियल एक्सपेंडिचर इन सब चीज़ों को देखती है उसको स्टडी करती है सारी चीज़ें और पी एस सी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है पी एस सी का जो हेड होता है वो अमूमन जो अभी कन्वेंशन है वो ये है कि वो अपोजिशन पार्टी से रखा जाता है ना तो ये भी आपको चीज़ मैं कुछ बता दूँ होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगर मैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करूं तो वो फिनेंशियल कमेटीज़ भी हो सकती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हो सकती हैं एडहॉक या जो कि, कि किसी एक पर्पस के लिए बनती हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ भी हो सकती हैं तो फिनैंशियल जो कमेटीज़ हैं वो पीएसी एस्टीमेट्स और पी जो हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बात की स्टैंडिंग कमेटी में जैसे हमेशा ये परमानेंट कमेटीज़ रहती हैं हमेशा रहती हैं कमेटी ऑन रेलवेज कमेटी ऑन हेल्थ हो गई एडहॉक कमेटी किसी स्पेसिफिक स्पेसफ़िकपजस के लिए बनती है जैसे सेलेक्ट कमेटी ऑन जी हो गई एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी हो गई जैसे कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव परपज़ के लिए

अंडरस्टैंडिंग द फ्यूज़न एनर्जी ब्रेक थ्रू अनाउंसड बाई यूएस अब मैं फ्यूजन एनर्जी आज आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ यूएस uh, ने भी अभी एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है वहाँ पर एक नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है ना नेशनल इग्निशन फैसिलिटी जो कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेट्री कैलिफोर्निया में है नेशनल इग्निशन फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं तो इसने अभी रिसेंटली पावरफुल हीट लेजर्स का इस्तेमाल किया और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को कंप्रेस करके उसने फ्यूजन करवाया और उस हीट निकलवाई तो यहां पर हीट जब इक्वल और ग्रेटर देन द हीट डिलीवर्ड मतलब जब आपकी हीट ज्यादा हो देन द हीट डिलीवर्ड मतलब आपकी हीट डिलीवर्ड ज्यादा हो देन हीट इन इनपुट मतलब आउटपुट हीट इनपुट हीट से ज्यादा होनी चाहिए तो इस इवेंट को कहा जाता है इग्निशन इसको ही इग्निशन बोलते हैं तो इग्निशन अचीव कर लिया इन्होंने एंड आउटपुट एनर्जी का जो रेशियो था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी वॉज मोर देन द इनपुट एनर्जी इसलिए जो रेशियो था वो वन से ज़्यादा निकला इसको इस रेशियो को गेन कहा जाता है तो ये टर्म्स ज़रूर याद रखना इसको गेन कहा जाता है इग्निशन क्या हो गया मैंने आपको बता दिया जब आउटपुट एनर्जी ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द इनपुट एनर्जी प्रोसेस इग्निशन है और वो रेशियो गेन कहलाता है और इस बार गेन इन्होंने वन का अचीव किया मतलब कि जब आप एक जूल एनर्जी देंगे तो वन पॉइंट फाइव थ्री जूल एनर्जी आपकी वापस जाके निकल रही है ठीक है ना तो दैट इज अ थिंग इज़ इंपॉर्टेंट इसके अलावा मैग्नेट दो एक जो फ्यूजन है उसको अचीव करने के दो टेक्निक्स हैं मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और इनर्शियल कन्फाइनमेंट तो अगर आपसे कभी ये टर्म्स पूछ लिया ना कि मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और इनर्शियल कन्फाइनमेंट टर्म्स रिसेंटली न्यूज में थे किससे रिलेटेड है तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है गेन मैंने आपको बता दिया है कुछ और इश्यूज अभी हैं हालांकि क्या इशूस है कि जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसमें से केवल वन uh, परसेंट ही प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है रेस्ट जो है वो अदर प्रोसेस में यूज़ हो रही है लॉस हो जा रही है तो उस लॉस को रोकना है दूसरा कि अगर आपको uh, मतलब uh, ये आकर इफ़ यू वांट टू सी सम गेनफुल एनर्जी मतलब ट्रूली गेनफुल अगर आपको फ्यूजन को बनाना है तो कम से कम सौ टाइम्स ज़्यादा कम से कम हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी मतलब तीन जूल अगर आप एनर्जी दें तो तीन जूल निकलना चाहिए ऐसा कुछ रेशियो आपका गेन निकलना चाहिए तो हमको ये भी अचीव करना पड़ेगा तो गेन जो है वो सौ से ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो बट इट्स अ गुड अचीवमेंट कि इन्होंने ब्रेक तो अचीव किया है वन वन, वन से ज़्यादा का आपको गेन मिल रहा है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड वन नाइस डे